हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोग को अपने टैली ईआरपी 9 के अगले लेक्चर में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आप लोग को पूरा डिटेल वाइज टैली सॉफ्टवेयर से लेकर अकाउंटेंसी तक मैंने आप लोग को वन बाय वन बताना शुरू किया है। फ्रेंड्स, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग को अपने हर एक वीडियोस को पूरी कंटिन्यूटी बना के रखती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो हमारे ये जो टैली का लेक्चर है उसे जानने और समझने में। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि थोड़ा बहुत भी चेंज करूँगी तो आपको क्या होता है, कन्फ्यूज़न होगी। इसी वजह से मैं अपने हर पिछले वीडियो के बारे में अपने अगले वीडियो में ज़रा थोड़ा बहुत ज़रूर मैं डिस्कस करती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई फिर भी कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली उसे आप जो है वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जहां से मुझे पता चलेगा कि आप लोग को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने व्यूज़ अपने आइडिया शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से बहुत ही और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग के सामने मैं अपने टैली ईआरपी 9 को ला सकूं, जिससे कि आप लोग घर बैठे भी बहुत ही अच्छे से सीख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को अकाउंटेंसी के बारे में बताया था, अकाउंटेंसी के टाइप्स के बारे में बताया था। अकाउंटेंसी के तीन टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिसमें से फ्रेंड्स मैंने अभी तक आप लोग को जो है दो अकाउंट्स के बारे में विद डिटेल आप लोग को मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ आप लोगों को उनके रूल्स के साथ मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हम इस वीडियो में हम जानेंगे वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट्स के साथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में जब मैंने आप लोगों को अपने टैली ईआरपी 9 में मैंने रियल अकाउंट के डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने आप लोग को परचेज और सेल के बारे में बताया था, परचेज एंड सेल के नेचर और उनके फीचर के बारे में बताया था, कब उनका प्लेस कैसे चेंज होता है, कैसे उनका प्लेस फिक्स होता है, ये सारा कुछ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को याद होगा। इनकेस अगर नहीं याद है तो आप उसे वापस से जो है कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को समझना आसान हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी मैं एक बार जरूर से रिमाइंड कराना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर सिंपल वे में बात करें तो जब भी बात हम परचेज और सेल की करते हैं तो परचेज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेबिट ही होगा रियल अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग। और जो सेल अकाउंट है वो हमेशा जो है क्रेडिट होगा रियल अकाउंट के रूल और नेचर के अकॉर्डिंग। इन दोनों का प्लेस सिर्फ एक ही केस में चेंज होता है, जब रिटर्न का केस हो, और तब ये जो हमारा परचेज और सेल है ये हमारा परचेज रिटर्न और परचेज सेल बन करके आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था उसका कॉन्सेप्ट, इसे प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भूल जाते तो आगे जैसे जैसे आप लोग को जो ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, जो एंट्रीज मिलेंगी, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के साथ में। बात करते हैं फ्रेंड्स आज हम नॉमिनल अकाउंट्स की। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप डेफिनेशन में ना जाकर मैं सिंपल वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो फ्रेंड्स आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो हमारा बिजनेस, यहाँ पर अगर अकाउंट की बात करें, यहाँ पर फ्रेंड्स जो टैली की बात करें, सिंपली मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की भी बात करें, जो बिजनेस से डील करता है उस अकाउंट्स के बारे में भी हम जान लें, उस अकाउंट के बारे में बात करें, उस नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट है ना फ्रेंड्स, वो क्या करता है, आपका बिजनेस अकाउंट से डील करता है। और यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इन सब को जो है रिलेट करता है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, इसमें प्रॉफिट भी आपका आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये सारा कुछ आपका
आपके जो है नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। इन्हीं के माध्यम से फ्रेंड्स हमको पता चलता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम आपसे ये कहें फ्रेंड्स जो नॉमिनल अकाउंट है वो जो है किसके साथ डील करता है, नॉमिनल अकाउंट जो है आपका एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन के साथ डील करता है एज अ अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे बेसिकली आपका क्या करता है इसे अगर अच्छे से जानना हो समझना हो तो ये हमारे बैंक स्टेटमेंट जो होता है उसके थ्रू हमको और ज्यादा इजीली और क्लियरली हमारा नॉमिनल अकाउंट क्लियर होता है। ओके, वहां पे इतना इजीली क्लियर इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस के डेबिट क्रेडिट सारे डिटेल्स हम लोग को अपने जो पासबुक होते हैं जो हमारा डेटा हमको मिलता है बैंक स्टेटमेंट के रूप में उसके थ्रू हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमारा किस किस पर्पज से कितना हमारा जो है क्या क्या तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है। बेसिकली फ्रेंड्स अगर वहाँ पे जैसे आप खर्चे करते हो तो देख सकते हो, अगर आप किसी चीज़ का पेमेंट करते हो तो देख सकते हो, अगर कोई आपको इनकम हो रहा है तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बैंक स्टेटमेंट इनकम की बात करते हैं, इनकम कैसे पता चलेगा आपको, जो फ्रेंड्स आप लोग इंटरेस्ट वगैरह आप लोग को बैंक की तरफ से मिलता है वो भी तो आप लोग के लिए एक तरह से इनकम हुआ तो वो भी आपको जो है देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा कुछ आपको जो है अगर देखा जाए तो सिंपली अगर मैं बात करूं अगर आपको कहीं जानने को ज्यादा अच्छे से मिलेगा तो वो है हमारे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिकली अगर बात करें तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो आपके सारे के सारे इनकम गेन लॉसेस इन सबको डील करता है और इनका जो है अगर सिंपल स्टेटमेंट सिंपल नेचर जानना समझना हो तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बात का और ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं ज्यादा कुछ ना कहूँ ज्यादा इसकी मीनिंग डेफिनेशन की बात ना करूँ तो फ्रेंड्स हम सिंपल भाषा में एक बात बोल सकते हैं वो ये कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जो हमारा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में ना आए वो सारा कुछ हमारे नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक नॉमिनी से रिलेट करता है। ठीक है, नॉमिनी जैसे कि हम किसी के बिहाफ में एज अ वर्क करें, ठीक है, या एज अ मतलब उसे अब किसी के बिहाफ में रिलेट करें उसे हम लोग एज अ नॉमिनी समझते हैं। ठीक है, उसी नॉमिनी से ये नॉमिनल अकाउंट निकल कर के आया है, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब इनके जो खर्चे नुकसान मुनाफे आय व्यय सब होते हैं ये किसी ना किसी से रिलेट करते हैं, इसी वजह से हम लोग इन्हें नॉमिनल अकाउंट के रूप में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई आपके नॉमिनल अकाउंट की, आइए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट है वो क्या करता है आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस हैं इनकम है गेन है इन्हीं को डील करता है। तो और कुछ याद रखिए या ना रखिए बस इस बात को डेफिनेटली याद रखिएगा जो आपका नॉमिनल अकाउंट है वो इनकम गेन ठीक है आपके लॉस एक्सपेंस इन सबको डील करता है। ओके, एज अ बिजनेस पर्पस। ठीक है, और इसमें ये भी आप अगर कुछ नहीं भी याद रहता तो एक बात और ध्यान रख सकते हो कि जो कुछ आपकी पर्सनल और रियल अकाउंट में नहीं आएगा वो सारा कुछ आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो अगर ना भी याद रहे तो उस केस के लिए मैं बता रही हूँ। जनरली आप किसी को जाके ये मत बोल देना कि जो आपको पर्सनल अकाउंट में नहीं है जो रियल अकाउंट में नहीं है वो आपके नॉमिनल अकाउंट है उसी को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ये सिर्फ आप लोग को चीज़ों को याद रखने के लिए और समझने के लिए कॉन्सेप्ट को इजिली क्लियर होने के लिए मैंने ये चीज़ कहा है आपसे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात हुई हमारे नॉमिनल अकाउंट की मीनिंग की, अब बात करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाएगा आप लोग का सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करते हैं इसमें सभी टाइप के डिस्काउंट आ जाएंगे। ठीक है, कमीशन, बिल्स, सभी टाइप के बिल्स आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें आपका आ जाएगा रेंट, सारे टाइप के इसमें किराए आ जाएंगे। और इसके अलावा इसमें सर्विसेस, सारे टाइप के इसमें सर्विसेस आ जाएंगे। इसी में फ्रेंड्स आपके सारे टैक्सेस वगैरह भी आ जाएंगे, सारे आपके टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
ये थे उसके एग्जाम्पल्स, जिसके मदद से आप लोग जो है और ज्यादा अच्छे से आप लोग नॉमिनल अकाउंट को समझ पाओगे। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, बिल्स हो गया, आपका रेंट हो गया, सर्विस हो गया। एक चीज और इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, वो है आपका पेमेंट। फ्रेंड्स पेमेंट की भी अगर बात करें तो इसमें हर टाइप की पेमेंट आपकी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। सो शॉर्ट नोट में अगर कहें एज एग्जांपल की बात करें तो सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, कमीशन, बिल्स, रेंट, सर्विसेज, टैक्स पेमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें जितने टाइप की पेमेंट्स हैं वो सारी भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई आपके नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स की। आइए अब इसके गोल्डन रूल को समझते हैं। जैसे आपने क्या कहते हैं, आपने रियल अकाउंट के रूल को जाना, आपने पर्सनल अकाउंट के रूल को जाना, वैसे ही अब हम बात करेंगे अपने नॉमिनल अकाउंट के रूल की। तो जो उसका रूल है वो कहता क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। वहीं इसका दूसरा स्टेटमेंट कहता क्या है, ऑल इनकम ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आप लोग के सामने हमारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स और उसके साथ साथ हमारा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल कहता क्या है, जितने भी हमारे खर्चे और नुकसान है वो सारा कुछ डेबिट कहलाता है, और जितने भी हमारे इनकम गेन्स हैं वो सारा कुछ क्रेडिट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे आय हो गए, जितने भी हमारे क्या कहते हैं प्राप्ति हो गए, वो सारे कुछ क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, और आपके जितने भी खर्चे और नुकसान है वो सारे क्या हो गए, आपके डेबिट हो गए। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें इस स्टेटमेंट को, इस गोल्डन रूल को, तो ये जो गोल्डन रूल है, अभी तक जो आपने दो अकाउंट्स जाने, दो अकाउंट्स पढ़े हैं आपने, उन दोनों अकाउंट्स के गोल्डन रूल से ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। अक्सर लोग जो है जितने भी डेबिट और क्रेडिट की अगर मीनिंग की बात करें, जिन्होंने डेबिट क्रेडिट की मीनिंग को जाना है कि डेबिट का मतलब होता है प्राप्त करना, क्रेडिट का मतलब होता है देना, ऐसा सिचुएशन में ये रूल कैसे फिट बैठता है हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो बेसिकली जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है ये हर उस चीज पे हमारा जो है इंक्लूड कर, हर इस चीज को इंक्लूड करता है जो भी कुछ हमारे खर्चे, नुकसान, मुनाफे, ठीक है, आपके इनकम गेन, इन सब पे आपके आता है, उसी सबको ये इंक्लूड करता है। जैसे कि हमारा बिजली का बिल हो गया हो, या हमारे घर का किराया हो गया हो, या फिर हमारा जो माल ट्रांसपोर्ट कराते हैं कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड हो गया हो, या फिर आपके जो है सैलरी यानी कि तनख्वाह जो महीने के बेसिस पर मिलती है, वेजेस जो पर डे के है पेमेंट मिलती है यानी सैलरी मिलती है, पर डे पेमेंट जो मिलता है फ्रेंड्स उसको हम लोग वेजेस कहते हैं। जो आपके क्या कहते हैं ऐसे जो जो लेबर टाइप की जो आपके जॉब्स होते हैं उसमें बेसिकली आप लोग को वेजेस ही पे किए जाते हैं। वेजेस का मतलब होता है पर डे सैलरी। पर डे सैलरी क्या होता है कि ये लोग जो भी काम करेंगे पर डे पर आवर के हिसाब से ये लोग लेके जाते हैं, उसे हम लोग वेजेस का नाम देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट आप लोग को पता ही है, छूट। छूट का मतलब हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को कई तरह की छूट जानने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर डिस्काउंट मेंशन कर दिया क्योंकि उसे डिस्काउंट में हमारे हर टाइप का जो है डिस्काउंट इंक्लूड हो जाता है। फिर कमीशन की बात करें तो उसी कमीशन में हमारा दोनों टाइप का कमीशन आ जाता है, कमीशन लेना भी और कमीशन देना भी, ठीक है। इसी तरह से आपके सर्विसेज, टैक्सेस हैं। टैक्सेस की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर हम इसी में सर्विसेज की बात करें तो इसमें ऑल टाइप के सर्विसेज इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट, और इसी के बेसिस पे हमारा ये जो ये रूल है
ये रूल बनाया गया है और इसी रूल को हम लोग गोल्डन रूल कह रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सारे खर्चे और नुकसान को हमने डेबिट के कैटेगरी में रख दिया और सारे इनकम और गेंस को हमने क्रेडिट के कैटेगरी में रख दिया। जबकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्रेडिट और डेबिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है देना और डेबिट का मतलब होता है प्राप्त करना। ऐसे सिचुएशन में ये किस तरह से फिट बैठता है, तो एग्जाम्पल को देख के आधी चीजें तो आपको समझ में आ गई और अगर नहीं आए तो आइए मैं आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो खर्चे और नुकसान है वो डेबिट हो रहा है, यानी कि सभी खर्चे और नुकसान की जो बात कर रहा है डेबिट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप ही सोचिए, हम खर्च कर रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, तो उसमें हम डेबिट कैसे हो रहे हैं? तो कारण ये है फ्रेंड्स, खर्चे भी जो हो रहे हैं, यहाँ फ्रेंड्स मैं अभी आपको बिजनेस पर्पज से बता रही हूँ, आपके अदर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं चल रहे यहाँ पे, हम अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे खर्चे हैं, नुकसान है, यहाँ पर उस व्यक्ति की बात की जा रही है जो इंसान उस बिजनेस का ओनर है, जो उस बिजनेस को चला रहा है, जो उस बिजनेस के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। खर्चे भी उसी के हो रहे हैं, नुकसान भी उसी का हो रहा है। दैट मीन्स कि खर्चे भी वो खर्चे के रूप में वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा है, नुकसान के रूप में भी वो प्राप्त ही कर रहा है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डेबिट हो। इसी कारणवश फ्रेंड्स जितने भी खर्चे और नुकसान हम सबको डेबिट के कैटेगरी में रख दिया गया और जितने भी इनकम और गेंस है उन सबको जो है क्रेडिट के कैटेगरी में रख दिया। अब इनकम गेन को फ्रेंड्स अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आप लोग के लिए क्या है, इनकम है। वेजेस क्या है, आप लोग के लिए गेंस है। अब फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन हमने इसे क्रेडिट के जगह पे रख दिया, यानी कि हमने ये बोल दिया कि जितने भी हमारे इनकम और गेंस है वो क्रेडिट हो गए, यानी कि हमारा जो आय है, जो हमारे जो भी कुछ हमने प्राप्त किए हैं वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फ्रेंड जो इनकम होता है, क्या वो इनकम सिर्फ पर्सनली आपके ऊपर यूज होता है? नहीं, वो इनकम की अगर बात करें तो उस इनकम का पूरा हिस्सा आपके बिजनेस में इंक्लूड करता है, मतलब पूरा का पूरा जो इनकम होता है वो बिजनेस पर्पज से ही होता है, यानी बिजनेस को ही रिलेट करता है, बिजनेस को ही जाता। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो इनकम हो, इनकम होते हुए भी हम लोग के लिए क्या हो जा रहा है, वो क्रेडिट हो जा रहा है। सपोज दैट फ्रेंड्स मैंने अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारे टीचर्स को इंक्लूड किए, बहुत सारे कोर्सेस मैंने चलाए और बहुत सारे हमारे कोर्सेस से हमारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट आए, उन्होंने फीस पे किया, वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स वो जो इनकम हो रहा है उससे क्या हमारे जेब में जा रहा है? नहीं, बल्कि वो इनकम क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है। That means कि हम क्रेडिट हो रहे तो ये था फ्रेंड्स आपका नॉमिनल अकाउंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। अगर नहीं क्लियर हुआ फ्रेंड्स, तो जब हम इसे एज अ ट्रांजेक्शन वे में हम इस पर वर्क करेंगे तब वहां पे आप लोग का ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो डेबिट क्यों होते हैं और जितने भी इनकम और गेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आप लोग का नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग, उसके एग्जांपल्स और उसके रूल। आइए इसके एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट के एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आइए देखते हैं हमारे एग्जांपल क्वेश्चन क्या कहता है। सपोज दैट फ्रेंड हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है उसका एक एग्जाम्पल है, कहते क्या है, टेनेंट पेड रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड ऑफ रुपीज 2000। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता क्या है, tenant paid rent of rupees 2000 to his landlord ठीक है, landlord by cash। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो किरायेदार ने अपने मकान मालिक को 2000 रुपए किराया चुकाया। ठीक है, 2000 रुपए किराया चुकाया किसको, अपने लैंडलॉर्ड को। फ्रेंड्स यहां से अगर हम एक चीज इरेज कर दें
अभी हम यहाँ पे सिर्फ अपने लैंडलॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा किरायेदार है उसने अपने मकान मालिक को किराया चुकाया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट की बात करें। कैसे पता चला फ्रेंड्स हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात करें? फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखें तो टेनेंट का मतलब होता है किरायेदार, ठीक है, पेड का मतलब होता है भुगतान, रेंट का मतलब होता है किराया, ठीक है, बाकी यहाँ पे कितना किराया चुकाया वो अमाउंट हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का मतलब हो गया हमारा मकान मालिक, ओके, यानी उस जमीन का, उस कमरे का, उस एरिया का मालिक, ठीक है, जो ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते क्या है कि जो हमारा किरायेदार है उसने अपने मकान मालिक को 2000 रुपए किराया चुकाया। अब जब बात करते हैं फ्रेंड्स किराया चुकाया, तो देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा टेनेंट है वो पर्सन है, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रेंड्स उस पर्सन का नाम नहीं दिया, यहाँ सिंपली हमने किरायेदार बोल दिया। किरायेदार यहाँ पे एक तरह से अगर देखें तो किरायेदार यानी जिससे हम किराया लेते हैं, यानी हम जो बदले में हमसे वहां पे उस जगह पे रहने का सुविधा लेता है, उस जगह का इस्तेमाल करता है, एक तरह से सर्विस की बात आ जाती है। किरायेदार से अगर साफ साफ पता चलता है सर्विस की बात करते हैं, और दूसरा हमको ये पता चलता है पेड कर रहे हैं यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं यानी हम भुगतान कर रहे हैं। भुगतान हमेशा हम किसी ना किसी सर्विस का ही करते हैं। सर्विस का मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे हम किसी से किसी कार्य को लेकर या किसी चीज का हम सुविधा लेते हैं, सुविधा उठाते हैं, उसे हम सर्विस के रूप में देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रेंट, रेंट मतलब किराया, यानी हमको तीसरी जो चीज मिली फ्रेंड्स, तीसरी जो हमको पॉइंट मिला जिससे हमको पता चला कि नॉमिनल अकाउंट है वो है रेंट, ठीक है। पहला किरायेदार, दूसरा पेमेंट पेड यानी कि हमने भुगतान किया, तीसरा रेंट। रेंट का मतलब फ्रेंड्स जहां पे हमने किराया चुका, किराए की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मकान मालिक, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम मकान मालिक को हम फॉर अ सेकेंड के लिए जो है पर्सन के रूप में देख सकते हैं, पर्सन के रूप में देख सकते हैं क्योंकि वो ओनर है, ठीक है, उस मकान का ओनर है, उसे हम लोग भले जो है एज अ पर्सनल अकाउंट देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स जब इन तीनों को हम देखते हैं तो इन तीनों में ना तो हमें रियल अकाउंट नजर आया, ना तो हमें पर्सनल अकाउंट नजर आया, इसमें क्या नजर आया, सिर्फ और सिर्फ हमको नॉमिनल अकाउंट दिखाई दिया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमसे एक तरह का सर्विस की बात यहाँ पे हो रही है, इन दोनों वर्ड्स के थ्रू हमको ये पता चला। इसीलिए हमको पता चला फ्रेंड्स कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें, तो ये तो समझ में आ गया कैसे हम पहचाने कि हमारे नॉमिनल अकाउंट है या नहीं, तो इससे हमको पता चल गया कि नॉमिनल अकाउंट है। अब इसका जो अब हम एंट्री बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कमरे की किराए की जो कि भुगतान किया गया है मकान मालिक को, यानी कि रेंट। रेंट क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे लिए खर्चा हो गया। अगर फ्रेंड्स हम रेंट की बात करें तो रेंट क्या हो गया, हमारे लिए खर्चा हो गया, यानी कि हमने यहाँ पे रेंट का अकाउंट बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब रेंट का अकाउंट तो हमने क्रिएट कर दिया, बट रेंट का अकाउंट यानी कि हमारे लिए खर्चा हो गया, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट में क्या है फ्रेंड्स, डेबिट है, तो हमने इसके सामने यहाँ पे डेबिट लिख दिया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि अभी के लिए मैंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि हाँ भुगतान किया, पर ये नहीं बताया कि किस तरह से भुगतान किया, कैश पेमेंट किया या फिर जो है क्या कहते हैं चेक पेमेंट किया, ऐसा कुछ अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। तो फिर यहाँ मैं चाहूँ तो कैश भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, एज अ अजम्पशन, या फिर सबसे बेटर यही होगा कि मैं यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड को मेंशन करूँ, क्योंकि मैंने लैंडलॉर्ड को मैंने किराया चुकाया यानी कि मैंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा लेजर बनेगा वो है लैंडलॉर्ड। और इसके सामने आ जाएगा हमारा क्रेडिट, कितना अमाउंट यूज हुआ है 2000। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही आपकी एंट्री, और इससे पता चलता है कि आपने क्या किया है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा रेंट है, ये रेंट क्या हो गया,
ये जो फ्रेंड्स हमारा रेंट है ये नॉमिनल अकाउंट को शो करता है, लेकिन वही जो हमारा लैंडलॉर्ड है ये पर्सनल अकाउंट के रूप में हमें से देखते हैं, क्योंकि ये ओनर है, ठीक है, ओनर है, इस वजह से ये पर्सनल अकाउंट में चला गया। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस ओनर के माध्यम से जो हमने सर्विस मिली उस रूम में रहने की, उस रूम को यूज करने की, उसका हम लोगों ने भुगतान किया, इस वजह से फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, यानी कि नॉमिनल टू पर्सनल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी बात नॉर्मल जो पर्सनल की नहीं कर रही, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके रूल्स को सेट करने की। अब रूल्स आप देख सकते हो, जो रेंट था वो क्योंकि खर्चा था इस वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया, वही जो लैंडलॉर्ड था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो उस जगह का मकान मालिक है, यानी कि उस जगह का वो ओनर है, जो जगह उसकी है जिसका हमने प्रयोग किया, जिसका हमने भुगतान किया, इसी कारणवश हमने उसको क्रेडिट में रख दिया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा किस तरह से हम अपने नॉमिनल अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसका एग्जांपल क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आया हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज दैट फ्रेंड्स आपसे अगर कोई ये कह दे कि कोई मेहता नाम का व्यक्ति है, उसने जो है सुनील नाम के व्यक्ति को कमीशन पे किया। अब कमीशन क्या हो गया, एक तरह का सर्विस बेस्ड हो गया। अब कमीशन पे किया तो वो उसके जो पे करता है उसके लिए खर्चा है, और जिसने प्राप्त किया उसके लिए इनकम है। फ्रेंड्स अब अगर खर्चे की बात आए, जब कमीशन पे करने की बात है तो कमीशन क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक तरह से जब एक्सपेंस की बात है तो डेबिट हो गया, और जब इनकम के में वो आपको दिखाई दे तो वो आपके लिए क्रेडिट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने अपने रूल्स को सेट करनी है, और इसी तरह से हमें जो है अपने तीनों अकाउंट्स को लेके चलना है, जिसके बेसिस पे हम अपने सारे ट्रांजेक्शन एंट्रीज को जो है पूरे करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे ये जितने भी अकाउंट टाइप मैंने आपको बताए, ये जो तीनों टाइप के अकाउंट बताए हैं और इनके जो एग्जांपल्स मैंने, इनके रूल्स बताए, आई होप कि आप लोगों को इनके रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए आपके अदर टॉपिक्स के या अदर कोर्सेज के जो टीचर्स हैं उनके थ्रू भी आप लोग को घर बैठे बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई आपके नॉमिनल अकाउंट को। आई होप कि अपन नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया अच्छे से क्लियर है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ऑल ओवर तीनों अकाउंट टाइप, जिसमें हमारा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आइए एक बार इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट, उसके बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ये थे फ्रेंड्स आपके तीनों टाइप के अकाउंट्स, और इसके मदद से हम इनके गोल्डन रूल्स को भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसका गोल्डन रूल है, पहला जो उसका रूल है कहता क्या है, डेबिट द रिसीवर। वहीं इसका दूसरा स्टेटमेंट कहता क्या है, क्रेडिट द गिवर। ये तो बात होगी फ्रेंड्स हमारे पर्सनल अकाउंट की। सेम इसी तरह से हमारा जो रियल अकाउंट कहता क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता क्या है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसका पहला स्टेटमेंट
कहता क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता क्या है? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे गोल्डन रूल्स, हमारे तीनों अकाउंट्स के, यानी कि हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट्स के हमारे रूल्स। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इन रूल्स के मदद से अब आप लोग को जो है हमारे अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस करने में कोई मुश्किल नहीं होगा इससे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो रूल्स है जिसे हम लोग अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स हमेशा इस बात को माइंड में रखिएगा, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आपको सारे ट्रांजैक्शन, सारी एंट्रीज करनी है, और इसी एंट्रीज को उसके बाद आप लोग को अपने टैली पर जो है सारी सारी एंटर करानी, यानी कि सारी एंट्रीज आप लोग को करनी। तो सबसे पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है अकाउंट्स और अकाउंट्स के तीनों टाइम बहुत अच्छे से याद रखना होगा। दूसरा स्टेप ये है फ्रेंड्स कि आपको जितनी भी एंट्री जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, उन सारे जर्नल एंट्रीज को इन्हीं गोल्डन रूल्स के बेसिस पे आप लोग को सेट करना होगा, और सेट करने के बाद उनकी एंट्रीज बनानी होगी। जो तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग को जो बनी हुई एंट्रीज है उन्हें आप लोग को करना क्या है, अपने टैली के टैली ERP 9 जो आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस पर उन सारी एंट्रीज की एंट्री करानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका तीन स्टेप का प्रोसेस। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अभी दो स्टेप ही कंप्लीट किए हैं, जो वो दूसरा स्टेप आपका क्या है, अभी दूसरे स्टेप में भी आपका एक क्वेश्चन बाकी है, वो है जर्नल ट्रांजेक्शन। अभी तक फ्रेंड्स आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ समझा कि कैसे हमारे ये तीनों एंट्रीज यानी कि तीनों अकाउंट्स हमारे वर्क करते हैं। अब इसी के हम जब आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हमको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे सारी एंट्रीज को बनानी है, उसके बाद हमको कैसे उससे एंटर करानी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका, एक बार फिर से आप लोग जो है इन तीनों रूल्स को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्या हो अच्छे से क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, आपका पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वही रियल अकाउंट है वो आपका कहता है क्या? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट। वही आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो कहता क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता क्या है? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो सारा कुछ हो गया आपका रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके साथ। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है याद रहेगा, और इसी के बेसिस पे हमको सारा कुछ आपको एंट्री करनी है। आइए इसके कुछ इमेजेस के साथ भी एक बार समझ लेते हैं। टैली के कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैंने अपनी बोर्ड पे कुछ आप लोग के लिए इमेजेस निकाले हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा टैली के कैसे वर्किंग होते हैं, कैसे वो सब दिखता है, ये सारा कुछ एक बार आप लोगों को फिर से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने इस इमेज के साथ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आप जब आप टैली ERP 9 आप ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करोगे तो इस तरह से आपको कुछ है सारा डेटा आपको स्टोर करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड ये आपको जो है इस तरह का कुछ इमेज दिखाई देगा जो आप लोग के स्क्रीन पे होगा टैली ERP 9 का। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका जो अगला इमेज आता है ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके गेटवे ऑफ टैली का है। जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो ये कुछ आपका इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई देगा।
ओके फ्रेंड, इसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली भी के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, होम स्क्रीन होता है टैली का। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे क्या होता है कि आप लोगों को जितने भी टैली के एंट्रीज बनाने होते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जो है उसमें आपका ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यहाँ पे खुला हुआ है, जिसके मदद से आप लोग उसमें आप लोग सारी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सारी सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को वन बाय वन आप लोग को इसमें सारा का सारा टैली पे वर्क करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे इमेजेस थोड़े से क्लियर नहीं आया, तो अभी इमेजेस इसको रहने देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारे कुछ इमेजेस के मन से, आपने देखा कि किस तरह से हमारा टैली का स्क्रीन दिखाई देता है, कैसे उस पर हमारी कंपनी ओपन होने के बाद दिखाई देती है, कैसे हम उस पर वर्क करते हैं। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे तो मैंने इमेज वाइज बताया, लेकिन फ्रेंड्स आप इसके लिए परेशान मत होइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जैसे जैसे थोड़ी बहुत जर्नल ट्रांजेक्शन एंट्रीज जब बन जाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आप लोग के लिए जो है सारे के सारे टैली के जितने भी प्रैक्टिकल सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, वो भी लाइव। उससे क्या होगा कि आप लोग को उसमें काफी हेल्प मिलेगा टैली पे वर्क करने में। मतलब ये होगा फ्रेंड्स कैसे हम उस पर जो हमारी जर्नल एंट्री जो होगी कुछ हम बनाएंगे, उसे किस तरह से हम अपने जो है सिस्टम पे एंटर कराएंगे, ये सारा कुछ मैं आप लोग को अपने वीडियोस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊँगी। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को मेरी इस वीडियोस के से भी काफ़ी हद तक आपका जो बेसिक अकाउंटेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया हो। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जर्नल एंट्री के साथ स्टार्ट करेंगे, और जर्नल एंट्रीज में हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे हमको अपनी एंट्रीज बनानी होती है, कैसे कैसे हमारी एंट्रीज में हमारे जो रूल्स हैं वो सेट होंगे, उस एंट्री का नेचर कैसे है कैसा है ये भी सारा कुछ हम जानेंगे, और उसके बाद फाइनली हम अपने एक एक एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपने अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स एक बात और आपको मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी, आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल बायनेटिक प्रयागराज है, और फ्रेंड्स अगर आप लोग को जो है ऑनलाइन सीखना है तो हमारे ऐप स्टोर से जाके हमारा क्या कहते हैं बाइनरी ट्यूब प्रयागराज का जो ऐप है उसे डाउनलोड करके आप वहाँ से भी हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं उसे आप सीख सकते हो। प्लस फ्रेंड्स आप लोग जो हमारे यूट्यूब के चैनल की मदद से भी, हमारे लाइव सेशन की मदद से भी सारे क्लासेस आप लोग को जो है स्टेप बाय स्टेप थ्योरीज और प्रैक्टिकल के साथ आप लोग को मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगर आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं आप लोग को मैं बता पाऊंगी। ओके फ्रेंड्स।